चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना टैक्स फाइल करना है गूगल एडसेंस पे, क्योंकि यूट्यूब ने लेटेस्ट अपडेट की है जिसमें बताया गया है कि अगर आप नॉन यूएस पर्सन हैं, मतलब अगर आप यूएस कंट्री से बाहर रहते हैं, तो आपको जो गूगल एडसेंस से आप अर्न करते हैं उस पर आपको 24% टैक्स देना होगा। लेकिन इस 24% टैक्स से आप बच भी सकते हैं, आपको सिर्फ 15% चार्ज लगेगा अगर आप गूगल एडसेंस में जाके इनका फॉर्म को फिल करते हैं। कुछ लोगों के एडसेंस में ये ऑप्शन नहीं देता, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा मैं ये भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस जगह पे आपको क्या चीज़ें फिल करनी है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा है कि टैक्स फिलिंग ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। और ये टैक्स की बिग न्यूज़ जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, जिसकी लास्ट डेट 31 मई है, उससे पहले आपको ये फिल कर लेना है, ना करने पे आपके 24% गारंटीड आपकी एडसेंस की इनकम से काटे जाएंगे। मैं आपको ले चलता हूँ एडसेंस के ऊपर। आपको ये तो पता ही होगा कि एडसेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आपने अभी तक अपना एडसेंस नहीं क्रिएट करा है, तो आप अपना एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस बनाना बहुत ही ईजी होता है। आप सर्च करेंगे गूगल एडसेंस नेट के ऊपर, आपको ये मिल जाएगा, और आप किसी भी एक जीमेल आईडी से साइन अप कर लेंगे और आपका एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको इसके बिहाफ से लाखों वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे एडसेंस बनाना है, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं। अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं तो आपको जरूर पता होगा एडसेंस अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाना होगा, तभी आप अर्न कर पाएंगे किसी भी एडसेंस अकाउंट से। तो अब जैसा कि लेटेस्ट अपडेट आई है टैक्स के बारे में यूट्यूब की ओर से, तो आपको कैसे अपना एडसेंस अकाउंट में इनकी टैक्स को अपडेट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बेल का आइकन बना है। तो कुछ लोगों की नोटिफिकेशन में ही इसको क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ जा रहा है जिसमें आपको टैक्स को फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन में भी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप आएंगे नीचे यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर, आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और ये देखिए नीचे ऑप्शन जो आ रहा है मैनेज सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, और नीचे यह एक ऑप्शन और आता है पेमेंट प्रोफाइल का। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है इंडिया टैक्स इन्फो, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है इंडिविजुअल के लिए, जिसमें भी आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पैन डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आपका ये अपडेट नहीं तो आप अपडेट कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन और मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, जो कि नया अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आप ये ऑप्शन आएगा मैनेज टैक्स इन्फो, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा जिसमें आपने नो टैक्स इन्फो फाइल करी है, तो यहाँ लिख के आ रहा है, और यहाँ आ रहा है ऐड टैक्स इन्फो। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन है जहाँ से आपको अपना टैक्स फाइल करना है, जिसके लिए देखिए एक साइनअप, जिसके लिए देखिए एक पॉपअप में ओपन हो गया है। तो आप अपने गूगल में पॉपअप को ऑन कर लेंगे जिससे ये पॉपअप विंडो खुल जाए। आप यहाँ से फिर से साइन इन करेंगे तो ये आपसे दोबारा से साइन इन कराता है। तो यहाँ मैंने अपनी जीमेल आईडी को हाइड कर दिया है जिससे मैं इसमें लॉगिन हो रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद देखिए री ऑथेंटिकेशन का पर्पस होता है, ये री ऑथेंटिकेट कर देगा। री ऑथेंटिकेट करने के बाद देखिए इस तरह से सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि आप ये जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल का है या नॉन इंडिविजुअल का है, मतलब इंडिविजुअल आप खुद के लिए है या कोई और है जो बिजनेस भी कह सकते हैं जिसे। और यहाँ पे आप आई बटन पे आप इसको क्लिक करके देख भी सकते हैं कि क्या पूछा गया है। द इंडिविजुअल अकाउंट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ह्यूमन नॉट एन इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी के द्वारा ऑपरेट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट नहीं होता। और जो नॉन इंडिविजुअल है उसको बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मैं यहाँ टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए पूछ रहा आर यू सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो आप अगर हैं तो आप यस करेंगे, वरना यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादातर सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन नॉन यूएस इंडिविजुअल, मतलब अगर जो यूएस का नागरिक नहीं है और इंडिविजुअल है तो वो इस पर टिक करेगा, लेकिन यूएस का नागरिक नहीं है लेकिन बिजनेस एंटिटी से ये एडसेंस था तो इस पर टिक करेगा। तो मैं इंडिविजुअल अकाउंट था और ये नॉन बिजनेस अकाउंट है, तो मैं यहाँ ऊपर वाले पे टिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ स्टार्ट W8BN फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से इसमें किसी भी तरह का डेटा अपडेट नहीं करना है, सिर्फ टिक और जिसे कहते हैं चूज एंड अपडेट ऑप्शन है, सिर्फ आप सेलेक्ट करेंगे अपना पर्टिकुलर ऑप्शन और नेक्स्ट करते चले जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल मैनर में आपका
जो टैक्स का फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आप जो भी अर्निंग करेंगे वो अब 15% के हिसाब से लगेगी। अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल का नेम लिख के आ गया है और ये DBA डूइंग अ बिजनेस एज अ नेम, आप यहाँ कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि ये बिजनेस के लिए पूछा गया है। यहाँ पे भी आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं, अ डूइंग अ बिजनेस DBA का फुल फॉर्म है, जो नेम इज़ अ कंपनी नेम डिफरेंट फ्रॉम द ओनर नेम, तो आप यहाँ छोड़ देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ कंट्री सिटीजनशिप में आएंगे तो देखिए यहाँ सारी कंट्रीज आती, तो आप यहाँ इंडिया सर्च कर लेंगे अगर आप इंडिया से हैं, वरना आप जिस भी कंट्री से हैं आप उसे सर्च कर लेंगे। और देखिए ये इंडिया ऑप्शन आ गया, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए दो ऑप्शन आते हैं, फॉरेन टीम और US टीम। लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ये फॉरेन टीम और US टीम आई टीम क्या है, तो मैं बता दूँ जो हम लोग को पैन कार्ड मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से लिखा है, और पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उसी को यहाँ पे जो हम लोग इंडिया में पैन बोलते हैं जिसको टिन भी कहा जाता है, तो आप यहाँ जो आपका पैन नंबर है आप वो डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद कंफर्म कर लेंगे सही है, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सिटी लिख देंगे। सिटी लिखने के बाद जो आपका पिन कोड लगता है वो डालेंगे, उसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए पूछ रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज अ परमानेंट रेजिडिंग एड्रेस, अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस सेम है यहां पे टिक कर देंगे तो ये ऑटो फिल होके नीचे वाला आ जाएगा। उसके बाद आपको बस यहां पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहां पूछा आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, तो यहां आप टैक्स ट्रीटी साइन कर रहे हैं US से, तो आप यहां पे यस करेंगे। यस करने के बाद ये कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आप यहां पे ये इसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर कंट्री पूछेगा फिर से, तो आप फिर से यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेलेक्ट होके आ रही है तो ठीक है, वरना आपको स्क्रॉल करके इंडिया को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जितने भी देखिए ऑप्शन हैं आपको सब पे चेक करना होगा, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। आप जैसे ही इस पर चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन आएगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ का, जिसमें एक ऑप्शन है खाली आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ परसेंटेज आएगा तो देखिए 0% रिड्यूस रेट और 30, तो आप यहां 0 कर लेंगे। उसके बाद आप यहां कंसर्न देंगे, उसके बाद फिर से सेकंड ऑप्शन करेंगे, यहां फिर आर्टिकल 12 आएगा, देखिए आ गया। अब यहां विद होल्डिंग है तो आप यहां 15% कर लेंगे, उसके बाद फिर से कंसर्न देंगे और फिर थर्ड वाले में भी 12 आएगा, ये आ गया, और यहां पे भी आप 15% कर लेंगे। उसके बाद यहां पे आप कंसर्न देंगे फिर से और यहां नेक्स्ट पे टिक कर देंगे, तो उसके बाद देख सकते हैं ये आपका राइट साइड पे पूरा फॉर्म दिखा रहा है। चार पार्ट में जो फॉर्म था जो कि आपने भर दिया है, जिसमें मोशन पिक्चर एंड TV अदर कॉपीराइट सर्विस एंड डिफॉल्ट हैं, आप यहाँ पे कंफर्म देंगे। कंफर्म देने के बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पूछा गया है योर फुल नेम, तो आप यहाँ पे अपना जो आपके पेन पे, या आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा यहाँ आधार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो नेम जो आपका मेंशन है अपने लीगल डॉक्यूमेंट में आप वो पूरा नेम डाल देंगे। नाम डालने के बाद एक बार चेक जरूर कर ले। उसके बाद यहाँ नीचे है ऑप्शन आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा, हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़ एंड सर्विस ऑफ गूगल विद द US, तो आप किसी तरह की एक्टिविटी US के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप यहां पे नो कर देंगे। उसके बाद यहां पे कंसर्न देंगे और ये जो लास्ट ऑप्शन है यहां पे ये पूछा गया है कि क्या आपने कभी एडसेंस से पैसे को कमाया है, मतलब अगर आपने एडसेंस से पैसे कभी अर्न करे हैं, यहां पे टिक करेंगे। देखिए यहां लिखा आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, लेकिन आपने अगर आज तक एक बार भी पेमेंट नहीं लिया है एडसेंस से तो आप यहां पे पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहां टिक करके मैंने सबमिट कर दिया है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखिए स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है और अब जो भी क्लेम्ड है देखिए 15% और यहाँ 0%, तो ये था पूरा प्रोसेस किस तरह से आप भी क्लेम करेंगे। और अब मैं दोबारा से आपको पेमेंट में जाके एक बार दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन आपको फिर से आता है कि नहीं। आप फिर से यहाँ आएंगे, मैंने सेटिंग्स में आएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए अब पहले सिर्फ ऑप्शन था एडिट का, आप देखिए क्रिएटिव साइन हो गई है आपकी और जो एडसेंस है, तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ फिल होके आ रही है, आपका एड्रेस नाम और जो US का टैक्स इन्फो जो आपने सेव करा है देखिए वो आ रहा है। आप यहाँ पे जब फिर से एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैंने टैक्स इन्फो पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसको आप दोबारा आप फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार फिल हो जाता है, तो देखिए यहाँ सब अप्रूव हो सब क्लेम लिख के आ गया, अब इसको दोबारा आप फिल नहीं कर पाएंगे।
तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आपको अपनी US टैक्स इन्फो एडसेंस के ऊपर अपडेट करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है इस एडसेंस के टैक्स फॉर्म को लेकर तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।